ठीक है जाओ। ओके प्रमोद, तुम बाहर कर रहे हो धूप में? हाँ गाइस, तो हम आ चुके हैं फार्म पर, धूप निकल रही है, गर्मी पड़ रही है भयंकर। जिस दिन बढ़िया वेदर होता है सब भाग भाग के आते हैं ग्रीट करने, गर्मी हो रही है, सब अंदर घुसे हुए हैं ठंडे कमरे में। क्यूटो को हैं टिल्लू अंगद, टिल्लू गुड बॉय टिल्लू, देखो फिर अंदर घुस रहा है सोने को। गुड बॉय टोगो, गुड बॉय टोगो, गुड बॉय, देखो अपनी चोट दिखा, देखो देखो उसके बाल आने लग रहे हैं थोड़े थोड़े। गुड बॉय टोगो, फिर से हैंडसम हो जाओगे तुम। ओके गुड बॉय, इसे सारी एकदम बढ़िया, और कुछ फिल्टर ऑन कर देंगे इनका। पॉन्ड में भी सब एकदम बढ़िया, प्लांट भी पहले से हेल्दी लग रहा है, आज थोड़ा पानी भर देंगे इसमें। मुर्गी अंडे देने में लगी हुई है, ये अपनी अंडे देने वाली ब्रूडिंग मुर्गी। थोड़ा पानी चला देंगे, कीटर सी कर देंगे जिससे उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिले। धीरे धीरे करके सब आ रहे हैं कीटर का लुफ्त लेने। ऐसे ही अपने एनिमल्स को समझना पड़ता है गाइस, उनकी नीड्स को, व्हाट दे रिक्वायर। गर्मी पड़ रही है तो उन्हें ठंडक दो, ठंडक पड़ रही है तो उन्हें गर्मी दो। दैट्स हाउ यू कीप योर एनिमल्स हैप्पी। अभी रहने को बिना इसके भी रह लेते, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जैसे हमको स्विमिंग पूल जाके बढ़िया लगता है, पानी वानी में खेल के बढ़िया लगता है जब ज़्यादा गर्मी हो, तो ऐसे ही इनको लगता है। अरे मैंने तो अंगद को बुलाया था। कम बॉय, क्या वो बॉय, गुड बॉय अंगद, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ये टिल्लू बदमाश, शक्ल से ही बदमाश लगता है ये। My boy, Angad, my boy. My boy. बहुत ही लविंग डॉग है अंगद, जितना हमारे लिए लविंग है उतना ही स्ट्रेंजर्स के लिए अग्रेसिव भी है। परफेक्ट डॉग, डॉबरमैन को वेलक्रो डॉग भी बोलते हैं, बिकॉज तो ऐसे चिपक के रहता है टाइम। सिट सिट,
तो गाइस मैं आपको बताता हूँ आज आपको टोगो की स्टोरी क्या। हाँ सही हो गई अब। तो हम पहले जयपुर रहते थे जगतपुरा में, तो वहाँ पे एक दिन मेरा भाई ऑफिस से आ रहा था, तो उसको एक टोगो ऐसे रोड पे, बीच रोड पे ऐसे एकदम गर्मी में ऐसे लेटा हुआ था एकदम पतला। तो वो घर आया और उसने मुझे बताई, फिर हम दोनों कार लेके निकले, तो हमने देखा टोगो ऐसे गर्मी में मिट्टी में लेटा हुआ है बीच रास्ते पर। फिर हमने उसे बिकॉज पिटबुल, मैं देखते ही समझ गया था कि पिटबुल है। फिर हम डरते डरते उसके पास गए कि काट ना ले। फिर हमने इसे पेडिग्री दी, और जैसे ही मैंने इसके सामने अपना पेडिग्री वाला हाथ करा तो ये एकदम से खाने लग गया, जैसे पता नहीं कब का भूखा हो। तो और हम समझ गए कि ये एग्रेसिव नहीं है। फिर मैंने तुरंत अपनी गाड़ी का गेट खोला, इसको अंदर धक्का दिया, ये तुरंत अंदर जंप कर गया। फिर हम इसको घर ले आए, ये पूरा टिक्स से कवर था, हमने इसको नहलाया धुलाया, सारे टिक्स वगैरह निकलाए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, इसका चेकअप कराया, ब्लड चेकअप कराया, फिर इसको हमने सारे इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीनेशन फुल वैक्सीनेशन कराया इसको। फिर हम इसको घर लाए, धीरे धीरे हमने इसको खाना वाना बढ़िया धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा, फिर धीरे धीरे ये हमारा एकदम बढ़िया डॉग बन गया। नायला ने इसको स्टार्टिंग में खूब मार लगाई, बट धीरे धीरे दोनों भी आपस में दोस्त बन गए। अब तो ऐसा चक्कर क्या है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हमारे पास नहीं रहा, इसके प्रीवियस ओनर उन्होंने कैसे इसको ट्रीट करा, जहाँ तक हमें पता है इसके प्रीवियस ओनर के बारे में, तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वो ऐसे ही शौक में एक डॉग लिया है, जब उनका घर जाने का नंबर आया तो कोई भी घर ले जाने को उसको रेडी नहीं हुआ, तो उन्होंने उनकी बिल्डिंग के नीचे कोई चाय वाला था, उसको ये टोगो को दे दिया कि इसका ध्यान रखें। बट वो चाय वाला ध्यान रख नहीं पाया और ये बेचारा रोड पे ही ऐसे घूमता। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं बता रहा था कि जो प्रीवियस ओनर थे उन्होंने इसको कैसे ट्रीट करा उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अब क्या इसके साथ चक्कर क्या है, इसको हम कुछ भी हैवी खाना देते हैं, प्रोटीन रिच खाना देते हैं, तो इसको लूज मोशन हो जाते हैं, इसको दूध भी नहीं पचता। इसको मतलब ज़्यादा हैवी खाना दे दोगे प्रोटीन रिच तो उसको क्या लूज मोशंस होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये पतला इसीलिए है, ये स्ट्रॉन्ग बहुत है एकदम, मेरा वेट 115 kgs है। तो जैसे आपने पुरानी हमारी वीडियोज़ में देखा होगा कि ये मुझे लेके और साइकिल को एटलीस्ट 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से लेके भाग लेता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मेरे अलावा मैं किसी नए बंदे को उसको देता हूँ तो वो उसको पकड़ भी नहीं पाता, इसका मसल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग डॉग। बट ये लगता नहीं है, ये वैसे पतला लगता है, लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसा कुत्ता है, तुम खिलाते विलाते नहीं हो क्या। हम इसे क्यों खिलाते हैं, ये और अंगद सेम डाइट खाते हैं, बल्कि ये उससे ज़्यादा ही खाता है। बट अंगद एकदम मोटा ताज़ा टचवुड, और ये पतला रहता है, इसको इसका वेट कभी बढ़ा ही नहीं, इसको हमारे पास 3 साल हो गए बट ये ऐसे ही रहता है। तो आपको लगे कि मेरा पिटबुल पतला क्यों है, तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। क्यों टोगो बोल दो, पतला नहीं हूँ, पतला स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ मैं। ओके तो ये थी गाइस टोगो की स्टोरी, माय टोगो। और हाँ, जब ये हमें मिला था तब डॉक्टर ने इसकी एज 1 ईयर बताई थी, अब ये 3 साल हमारे पास हो गए तो अब 4 साल का हो चुका है ये टोगो।
आ गए घर, खाना खाएंगे। पर चलो बॉयस बॉयस गुड बॉय। चलो 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 आओ नायला नायला टिल्लू ये गेट बंद कर दो आओ टिल्लू कम टिल्लू आओ आओ टिल्लू चलो अंगद चलो ये यहाँ पे अंडे देती हैं खेतों में, इसलिए ये ऐसी एग्रेसिव बिहेवियर करने लगती हैं इससे। टिल्लो पछाड़ मत करो उसे, इधर आओ, जिससे को भी कोई एनिमल आसपास आता है ये चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे वो इसके अंडे ना खा जाए। कहाँ चले गए थे टोगो, इधर आओ कम बॉय। मौसम ठंडा हो रहा है, देखो कैसे मजे कर रहे हैं। अभी अगर पूरे दिन धूप निकली होती और अभी हवा नहीं चली होती ना, सब ऐसे हाँफ रहे होते, चुप बैठे होते एकदम। बड़े अभी क्या हवा चली है बढ़िया, तो वो भी मस्त घास खा रहा है। क्या आप लोगों को पता है कुत्ते घास क्यों खाते हैं, कमेंट में बताइए। लेट्स सी किस किस को पता है।
टिंडू की आवारा कर दिया, नाली में लौट के भाग गया। नाम का एक राजा है, नायला ने रो रो कर पहले ही खाना खा लिया। नायला क्या चला गया ये है? दे रहे टोगो, तुम्हें भी दे रहे। हाँ तुम्हें भी। सिट, गुड बॉय टोगो, कल सिट। अंगद सिट, अंगद सिट, गुड बॉय। टिल्लू इज अ वेरी गुड बॉय, पहले से ही बैठ गया, शाबाश। सिट सिट तो टिल्लू सिट, टिल्लू सिट, गुड बॉय। नायला तुमने तो पहले ही खा लिया, क्या खाना है अब तुम्हें? खाना डाल देंगे दोस्तों, इनका भी टाइम हो रहा है। इसको भी खाना डाल देंगे। आगे वो गए, वो वहाँ आके यूं निकल के जा रहे हैं, वो एक खूंटा आ गया, खूंटा से वाके जो वो है ना मशीन वाके पर आगे की बजाय पीछे को हो गया। ये बच्चे ही नहीं कर रहे यार, इनको हमारे पास 1.5-2 महीने तो हो गए, ज़्यादा ही हो गया, अभी तक इन्होंने बच्चे बच्चे ही नहीं करे। कहीं दोनों मेल मेल तो नहीं है, या दोनों फीमेल, पता नहीं यार। देखें कोई चूजा तो नहीं निकाला? नहीं नहीं अभी सारे अंडे ही हैं। सब अंदर घुसना शुरू हो गए हैं, शाम होते हो सीढ़ी और लगा दिए जिससे इनको रात में बैठने में इजी हो, बिकॉज ये सब ऊपर ही बैठना पसंद करती हैं। ये हमारा मनाली वाला गुलाब, हम मनाली में ट्रैक करने गए थे तो वहाँ पे एक गुलाब का बहुत बड़ा पौधा था जिससे हमने एक कटिंग ले ली थी, फिर हमने वो घर आके लगाई और अब ये 2 साल के बाद इतना बड़ा हो चुका है। ये अंदर घुस जाए और अंदर से जा बाहर, जब तोड़ लगाएगा फिर देखो भैया जी, इनको देखो अंगद गुस्सा ना बड़ा है ना तो फंस रहा है। कल को देखे यहाँ की और रोड़ा से कुछ, इनकी दोस्ती दिन पर दिन तगड़ी होती जा रही है, बट साथ में ये तवाए भी बहुत मचाते हैं। फ्रेंड्स इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सब चबा दिया इन्होंने। पॉन्ड के अंदर पहले लोटस के प्लांट्स हुआ करते थे, वो बाहर निकाल के फेंक दिए, टीवी का रिमोट चबा दिया और पता नहीं क्या क्या बर्बाद कराया इन्होंने। पापा के जूते चबा दिए, सारे प्लांट्स 3-4 प्लांट चबा दिए,
आफत भी खूब ही करते हैं दोनों, संसार में उपाय तो बहुत है बट कोई नहीं, इनका घर है तो करेंगे ही। थोड़ा दोस्तों ये आ गए हम अपने कोल्ड स्टोरेज पर, ये हमारी फैमिली का कोल्ड स्टोरेज है, इसका नाम है खजांची देवी कोल्ड स्टोरेज। किस दिन मैं आपको इसके अंदर से टूर दूंगा, अभी तो रात हो गई है। ओके गाइज, इसी बात करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप हम आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, एंड कमेंट करें और हमें बताएं आप लोग इन फ्यूचर क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू।